देखिए, कल हमने देखा सड़कें, सड़कों में हमने देखा था कि कच्ची सड़क और पक्की सड़क। तो कच्ची सड़कों के रख रखाव में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, उन्हें बनाने में ज्यादा खर्चा वह नहीं हो पाता है, पर वह ऋतुओं में जब बारिश ऋतु होती है तब वह सड़कें खराब हो जाती है, यानी यातायात के योग्य नहीं होती है। उनमें हमने देखा था, पहली सड़क देखी हमने पगडंडी, दूसरी बैलगाड़ी, तीसरी कच्ची सड़क। और पक्की सड़कें देखी फिर हमने, पक्की सड़कें कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट, डामर इनके द्वारा निर्मित की जाती है और अधिक खर्चीली होती है पक्की सड़कें। पक्की सड़कों का निर्माण जो विकसित देश है उनमें उच्च कोटि, उच्च स्तर पर, उच्च तकनीक के द्वारा किया जाता है, और उन्हीं देशों में इसका रखरखाव अच्छे तरीके से किया जाता है। पर फिर भी जो विकसित और अल्प विकसित देश है उनके अंतर्गत भी सड़क मार्ग का घनत्व अधिक पाया जाता है, तो इनके रखरखाव का खर्च अधिक वहन होता है। तो इनमें हमने देखा था कल पक्की सड़कों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, जिला सड़कें के बाद में हमने देखा राज्य या प्रांतीय सड़कें, सीमा सड़कें, महामार्ग NH, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। तो आज हम अध्ययन करेंगे महामार्गों का। महामार्ग एक ऐसी सुगम प्रणाली है जिसमें अबाधित रूप से संचालन हो वाहनों का, यातायात का अबाधित रूप से संचालन, और ये बड़े बड़े नगरों, बड़े बड़े बंदरगाहों, राजधानियों और मुख्य शहरों को जोड़ने का कार्य करते हैं महामार्ग। ये 4 से 6-8 लेन के हो सकते हैं महामार्ग, और ये तीव्र गति वाले मार्ग उपलब्ध करवाए जाते हैं इनके द्वारा। तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। तो महामार्ग हम किन्हें कहेंगे, जो दूर से स्थान है उनको जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहेंगे, हम महामार्ग कहेंगे। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आगमन हो सके। यातायात के बाधित प्रभाव की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त है 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। विश्व के प्रत्येक नगर और बंदरगाह महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी इनमें यातायात बाधित रूप से संचालित होता रहे, इसलिए ये दोहरे मार्ग होते हैं, यानी इस तरफ से जाने वाले और इस तरफ से आने वाले। महामार्ग दूसरा, इनमें जो लेन सिस्टम है, ये जैसे 1, 2, 3, 4 लेन, यानी ये एक तरफ 4 लेन है इसकी, इस मार्ग में, और एक तरफ 4-8 लेन है, तो ये मार्ग क्या है, 4 लेन का मार्ग है। दूसरा, अबाधित रूप से संचालित हो, यानी यहाँ पे पुल, नदी, ताल, कोई नाला ये है, तो यहाँ पे क्या बनाया गया, पुल बनाया गया है इसके लिए, अबाधित रूप से संचालित होता रहे। फिर आगे यहाँ पे रेलवे लाइन और कोई क्रॉसिंग रोड निकल रही है, तो इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया गया ताकि यह बाधित रूप से संचालित होता रहे। यहाँ पर इन जो इस पे गाड़ियां संचालित है वह चलती रहे, उन्हें रुकना नहीं पड़े, इस वजह से इनकी स्पीड तीव्रगामी होती है, इन पे संकेत लगे हुए होते हैं दूर दूर, जैसे यहाँ पे ये नाला है, पुल है, तो इसका संकेत लगा हुआ है फ्लाईओवर का। इस प्रकार से इस पे बाधित रूप से यातायात वह होता रहता है, तीव्र गति से यातायात संचालन होता रहता है। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग देखेंगे हम, विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग पहला है
स्पेन अमेरिका महामार तो ये महामार्ग अमेरिका में स्थित है और ये महामार्ग उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? पैन अमेरिकन महामार्ग अलास्का से अर्जेंटीना तक ये महामार्ग गुजरता है। तो हम इसमें देख रहे हैं पैन अमेरिकन महामार्ग, यानी पैन अमेरिकन महामार्ग ये अपना बैर बुरशिर उस्माइया तक है और आपकी किताब में दे रखा है ये ब्रासिलिया तक है, यानी इसे बढ़ा दिया गया है। तो आप तो यहाँ तक समझो इसे ब्यूनस आयर्स। तो ये वाला मार्ग है वो अपना पैन अमेरिकन महामार्ग अलास्का है। यहाँ पर अलास्का से इसकी शुरुआत होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये कनाडा होते हुए उत्तरी अमेरिका होते हुए मेक्सिको होते हुए पनामा सिटी होते हुए फिर ये बानोस होते हुए चिली से सेंटियोंग से होते हुए ब्यूनस आयर्स होते हुए आशुआइया तक पहुँचता है। तो ये महामार्ग क्या है? पैन अमेरिकन महामार्ग है। दूसरा आपके दे रखा है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, यानी वैंकूवर से सेंट जॉन नगर तक स्थित है। ये कहाँ तक है? वैंकूवर से सेंट जॉन नगर तक स्थित है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। तो ट्रांस कनाडियन महामार्ग भी कहाँ होगा? उत्तरी अमेरिका में। यह अलास्का से इसको जोड़ता है कनाडा को। देखो अलास्का शहर है यहाँ पे वैंकूवर, वैंकूवर से आगे निकलेंगे अपन रेजिना विनिपेंग और ये ख़त्म होता है आगे सेंट जॉन नगर के पास, न्यूफाउंडलैंड द्वीप है उसमें बना हुआ है सेंट जॉन नगर। इसके बीच में ओटावा शहर है जो हम रेल मार्गों के अंदर भी देखेंगे, कनाडा का जो रेल मार्ग आएगा ना उसमें यहाँ पे स्थित है वैंकूवर येरा यहाँ पर। तो ये ट्रांस कनाडियन महामार्ग है। तीसरा अपना है अलास्का महामार्ग। यह महामार्ग कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एंकोरेज नगर से जोड़ता है। तो इधर देखो एडमंटन नगर यहाँ पर है और एंकोरेज यहाँ पर है। तो ये अलास्का महामार्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये महामार्ग है अलास्का में। अगला महामार्ग है अपना स्टुअर्ट महामार्ग, यानी ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर वो अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित बिरटूम को एलिंस स्प्रिंग होते हुए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित उनादाता से जोड़ता है। ये यहाँ पर बिरटूम स्थित है यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और एलिस स्प्रिंग होते हुए ये उनादाता और यहीं पास में मेलबर्न यहाँ तक गुजरता है ये। ऐसे ये महामार्ग स्टुअर्ट महामार्ग। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। और ये कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में हमने देखा पहला महामार्ग पैन अमेरिकन महामार्ग, दूसरा देखा ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो कनाडा से गुजरता है, तीसरा देखा अलास्का और चौथा देखा हमने ऑस्ट्रेलिया में स्टुअर्ट महामार्ग। तो ये बिरटूम अनादाता मेलबर्न और एलिस स्प्रिंग यहाँ पर स्थित है। एलिस स्प्रिंग बिरटूम अनादाता और मेलबर्न। तो ये आपके जो मानचित्र दिया जाता है उसमें पहुंच सकता है वो। ओटावा ये मुख्य शहर है इसका इन महामार्गों में, ओटावा वैंकूवर विनिपेंग न्यूफाउंडलैंड द्वीप के अंदर सेंट जॉन नगर स्थित है। महामार्ग
अमेरिका, अमेरिका के अंतर्गत महामार्ग किस प्रकार से विकसित है। घनत्व क्या है अमेरिका के अंतर्गत? उच्च घनत्व है इनका, यानी जो जाल है उसमें इनका घनत्व अधिक है। कितना है? 0.65 किमी प्रति वर्ग किमी है, 0.65 प्रति वर्ग किमी है। प्रत्येक स्थान महामार्गों से कितनी दूरी पर स्थित है? 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी जो प्रत्येक स्थान है अमेरिका में वह सिर्फ महामार्गों की दूरी से कितनी दूरी पर स्थित है? 20 किलोमीटर से, महामार्ग से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अमेरिका में विश्व में सर्वाधिक सड़कों का जाल पाया जाता है, यानी वहाँ पर 63 लाख किमी सड़कें हैं। विश्व में सबसे अधिक सड़क कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत सबसे अधिक सड़क घनत्व है, सबसे अधिक सड़कें हैं। विश्व की लगभग आधी जो मोटर गाड़ियां हैं वो अमेरिका के अंतर्गत संचालित की जाती है, और एक तिहाई सड़कें अमेरिका के अंदर है, और नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण यह जाल बिछाया अमेरिका में। और अमेरिका एक विकसित कंट्री है, तो वहाँ पर प्रमुख यातायात का जो मार्ग है वह क्या है? सड़क मार्ग है। जल मार्ग भी वहाँ पर विकसित है, पर उनके अनुपात में सड़क मार्ग जो देश का आंतरिक भाग होता है उसमें रेल और सड़क मार्ग महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमेरिका के जो प्रमुख शहर है वह कहाँ बसे हुए हैं? पूर्वी अमेरिका की तरफ, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पिट्सबर्ग, ये प्रमुख शहर शिकागो, ये सभी पूर्वी अमेरिका की तरफ बसे हुए हैं। इस वजह से वहाँ पर औद्योगिकरण भी अधिक हुआ है और वहाँ पर सड़क घनत्व भी अधिक है अमेरिका में। दूसरा, इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वह क्या है? इसमें 0.65 किमी प्रति वर्ग किमी घनत्व है सड़कों का। विश्व में सर्वाधिक सड़क कहाँ है? अमेरिका में। कितनी है? 63 लाख वर्ग किमी। और जो राजमार्ग है उनसे दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की दूरी है प्रत्येक स्थान की। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप क्या है? विविधताओं वाला महाद्वीप है, इसलिए परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? यहाँ पे सड़क मार्ग है। क्योंकि यहाँ पर उच्चावाच अधिक पाया जाता है, उच्चावाच मतलब ऊपर खाबड़ क्षेत्र अधिक है, मरुस्थलीय पर्वतीय घाटी इस प्रकार के क्षेत्र अधिक है, उनमें रेल मार्ग इनका विकास करना कठिन होता है, सड़क मार्ग सुलभ होता है उनके अनुपात में। इस वजह से यहाँ पर सड़क मार्ग ही विकसित है, सड़क मार्ग भी उस अनुपात में नहीं है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे विकसित महाद्वीप है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? सुविकसित जाल पाया जाता है महामार्गों का, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जल मार्गों से कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है, यानी कड़ी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है यहाँ पर महामार्गों और रेल मार्गों और जल मार्गों में। क्योंकि ये क्या है, ज्यादातर महासागर के पास बसा हुआ है यूरोप, और बीच में से भी नदियां गुजरती है इसके द्वीपों पे है अधिकतर शहर। तो यहाँ पर जल मार्ग और रेल मार्ग वहां से भी कड़ी स्पर्धा प्राप्त होती है महामार्गों को, सड़क मार्गों को। यहाँ पर रेल मार्गों का भी अच्छा जाल है, सड़क मार्ग का भी अच्छा जाल बिछा हुआ है, यानी विकसित अवस्था में है ये। रूस, रूस में हम एक मार्ग पढ़ेंगे, रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, यानी इसके पश्चिमी छोर में मास्को इसकी राजधानी है और व्लादिवोस्तोक इसका एक मुख्य औद्योगिक शहर है। तो ये पश्चिमी छोर से व्लादिवोस्तोक तक महामार्ग गुजरता है इसका, इसका पश्चिमी छोर में औद्योगिकरण हुआ है और एक व्लादिवोस्तोक की तरफ, तो इसके समानांतर यहाँ पर औद्योगिक विकास, सड़कों का विकास अधिक हुआ है, पर इसका क्षेत्रफल क्या है? विश्व में सबसे अधिक है रूस का। इस वजह से लंबी दूरियों की वजह से यहाँ पर सड़क मार्ग के स्थान पर रेल मार्ग को अधिक महत्व दिया जाता है, सड़क मार्ग इतना विकसित नहीं है यहाँ पर। आगे बात करते हैं चीन की। चीन में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सड़क क्योंकि लंबाई है, कितनी है? 15 लाख वर्ग किमी
सड़कों की लंबाई, सॉरी किमी है और किमी नहीं है, सड़कों की लंबाई 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ पे क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी क्रिस क्रॉस करते हैं महामार्ग ऐसे, इस प्रकार से क्रॉस करते हैं प्रमुख महामार्ग नगरों को जोड़ते हैं। ये प्रमुख महामार्ग है जो प्रमुख नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे सांसू शहर जो वियतनाम सीमा के समीप है, शंघाई मध्य चीन के अंदर, गुआंगझाओ दक्षिण में, बीजिंग उत्तर को परस में जोड़ने का कार्य करते हैं। नवीनतम महामार्ग बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, जो कई देशों के द्वारा उसकी आलोचना की जा रही है। और महामार्ग इसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, OBOR प्रोजेक्ट कहते हैं हम उसे। जो बीजिंग को फ्रांस किससे जोड़ेगा, यूरोप महाद्वीप से जोड़ने का कार्य करेगा। और यह महामार्ग एशिया महाद्वीप के अनेक देशों, जो पुराना सिल्क रूट था उसी के ओर से गुजरने वाला है, ये रूट उसी के अनुसार बनाया गया है, तो यूरोप महाद्वीप को जोड़ने वाला है। और एशिया के जो ताइवान, पाकिस्तान, ये देश प्रमुख कजाकिस्तान, उनसे होते हुए ईरान यूरोप की तरफ जाए, प्रस्तावित है ये राजमार्ग। दूसरा ये आलोचना का शिकार इस वजह से हो रहा है कि जो भारत को पाइप कश्मीर है, POK पाक ओकोपाइड कश्मीर है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का एक हिस्सा है, उससे ये मार्ग गुजरने वाला है। इस वजह से भारत इसकी क्या करता है, आलोचना करता है। अब हम देखते हैं भारत में महामार्ग। भारत देखो, भारत में अनेक महामार्ग प्रचलित है। भारत में जो पक्की सड़कें हैं उनकी लंबाई 14.6 लाख किमी है, जो आपकी किताब में दे रखा है वो आंकड़ा है, अब तो ज्यादा हो चुका है पर आपको यही याद रखना है। विश्व में तीसरा स्थान है भारत का सड़क मार्ग के लंबाई के अनुसार, कच्ची प्लस पक्की सड़कें दोनों मिला दी जाए तो भारत में 33 लाख किमी सड़क है। कितनी, 33 लाख किलोमीटर सड़क है भारत में। देश में कुल 230 प्रमुख राजमार्ग NH है, नेशनल हाईवे है। जो भी आंकड़ा क्या है आपके किताब के अनुसार है, अब ये भी बढ़ चुका है। 230 प्रमुख NH है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है, यानी भारत का दक्षिणतम छोर है। अब जो अभी वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है, 44, पर आप किताब में क्या है, NH7 है। ये नया NH नहीं बनाया गया है, यानी नई सड़कें नहीं बनाई गई है, पर उन्हीं को नाम दे दिया गया है, जोड़ के एक NH बना दिया गया है। पहले अलग थे, अब इसे जोड़ के NH1, NH2, NH1A इनको मिलाकर NH44 नाम दे दिया गया है। तो ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। पर आपको पूछा जाए तो आपको तो क्या लिखना है, NH7, आपकी किताब के अंदर यही NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। दूसरा, भारत में अलग अलग प्रकार की योजनाएं संचालित की गई है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना, उत्तर पश्चिम गलियारा, तो उत्तर दक्षिण गलियारा, पश्चिम पूर्वी गलियारा, इस प्रकार से नए महामार्ग बनाए गए हैं। देखो भारत में कुछ प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, निर्माण हो चुका है कुछ का, तो हम देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, चार औद्योगिक शहर है भारत के प्रमुख नगर है, उनको जोड़ने का कार्य करता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, दिल्ली से, यहाँ से शुरू होता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है।
फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये मुंबई जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। फिर इधर चेन्नई, चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। इसके बाद फिर ये कहाँ जा रहा है, कोलकाता, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। और कोलकाता के बाद में वापस दिल्ली। ऐसे चारों शहरों को जोड़ने का कार्य करता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने का कार्य करता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला जो अपना कॉरिडोर है, उत्तर पश्चिम कॉरिडोर है, उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर सॉरी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का कार्य करता है। तो श्रीनगर कहाँ है, जम्मू में यहाँ पर। और ये श्रीनगर होते हुए दिल्ली होते हुए गुजरता है, और ये कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये कौन सा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है भारत का, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। एक कॉरिडोर है पश्चिम पूर्व कॉरिडोर। पश्चिम पूर्व कॉरिडोर पोरबंदर, गुजरात और सिलचर, असम को जोड़ने का कार्य करता है। तो पोरबंदर कहाँ है, यहाँ पर। तो इससे गुजरते हुए ये इन क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य, यहाँ से गुजरते हुए ये सिलचर पहुंचता है। सिलचर कहाँ है, असम में। ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व गलियारा भारत में बनाया गया है ताकि भारत को चारों तरफ से जोड़ा जा सके। इस प्रकार से ये सभी एनएच हाईवे जो नेशनल हाईवे है उनसे जुड़े हुए मार्ग है। भारत में और अनेक प्रकार के मार्ग है जो कलम ने पढ़ा था, द्रुतगामी। द्रुतगामी का मतलब एक्सप्रेस वे हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस वे यानी तेज गति से संचालित होने वाले यातायात के लिए द्रुतगामी हाईवे बनाए गए हैं। जो 6 लेन 8 लेन महामार्ग में ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इनके निर्माण में रखरखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, NHAI के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है इनका रखरखाव का कार्य। और ये केंद्र समवर्ती सूची का भाग है, यानी जो केंद्र सूची का भाग है, समवर्ती सूची में समृद्ध नहीं किया जाता है, केंद्र के अधीन रखा जाता है जो NHAI में होता है उनको। तो एक अलग जो सड़कें प्रचलित है विश्व में, सीमावर्ती सड़कें जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। यह सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राय सभी देशों में गाँवों में शहरों में शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती है। तो हमने कल देखा था इनको जो सीमावर्ती सड़कें होती है और क्या कार्य करती है, जो सीमा वाले क्षेत्र है इनके गाँवों को शहरों से जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा जो सैनिक होते हैं उनको युद्ध के जो साजो सामान है उनके जो संसाधन होते हैं उनको आर्मी ले जाने के लिए आवागमन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। भारत में यहाँ से स्थल भाग शुरू हो जाता है जो अन्य देशों से गिरा हुआ है। तो इसका विकास किया जा रहा है सीमावर्ती सड़कों का।